सब्सक्राइब करें जॉब सर्च टुडे को, और जॉब रिलेटेड वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शुभम और आप देख रहे हैं जॉब सर्च टुडे, जहां आपको जॉब रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी सबसे पहले। तो दोस्तों, आज का जो वीडियो है ये जेईई मेंस की तरफ से है, जो कि नेशनल टेस्ट एजेंसी ने कुछ डेट निकाले हुए हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं, जेईई मेंस का एग्जामिनेशन जनवरी में होने वाले हैं, तो एनटीए ने मतलब नेशनल टेस्ट एजेंसी ने उसके एडमिट कार्ड रिलीज कर दिए हैं, जो कि 17 को तारीख को रिलीज किया गया है, जो कि कल था। तो दोस्तों, अगर आपने ये फॉर्म भरा हुआ है जेईई मेंस का, तो आप अगर एडमिट कार्ड डाउनलोड करना चाहते हैं और आपको नहीं पता है कि कहाँ से डाउनलोड करना है, या आपको ये नहीं पता है कि उसका एडमिट कार्ड कब रिलीज होने वाला है, तो इस वीडियो में मैं आपको बताता हूँ कि उसका डेट कब निकला डाउनलोड करने का और उसको कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। जैसा कि आप दोस्तों देख सकते हैं, दोस्तों मैंने गूगल खोला हुआ है, तो आप यहाँ पर एनटीए गूगल पर जाकर क्लिक कर लें। यहाँ टाइप करने के बाद एनटीए का आप देख सकते हैं जो पहला लिंक खुलेगा नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का, यहाँ पर जेईई मेंस एग्जाम शिफ्ट दिया हुआ है। तो यहाँ से अगर आप चाहेंगे तो यहाँ से जा सकते हैं, और अगर डायरेक्ट जाना है तो आपको यहाँ से क्लिक कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसका जो इंटरफेस खुलेगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर दिखाया जाएगा आपको कि पेपर 2 ऑफ जेईई मेंस यहाँ फ्लैश कर रहा है, शैल बी हेल्ड ऑन 8 जनवरी। तो चलिए दोस्तों, मैं इसका लिंक ओपन करके रखा हुआ हूँ, तो आपको मैं शो कर देता हूँ। तो यहाँ देख सकते हैं आप जेईई मेंस का जो एग्जाम डेट एंड शिफ्ट है, तो वहाँ आप अप्लीकेशन नंबर डालकर अपना चेक कर सकते हैं, सो आपको यहाँ पर शो कर देगा। तो यहाँ से आप अपना डेट शिफ्ट चेक कर लीजिए, उसके बाद बात आ जाती है हम लोगों को, यहाँ पर आपका जो सिलेक्शन ऑफ एग्जामिनेशन है वो हम लोगों को कैसे मतलब कि मॉक टेस्ट में अपियर होना है। तो आप अगर चाहते हैं कि मेन एग्जाम से पहले मॉक टेस्ट देना चाहते हैं, तो आप यहाँ से अपना पेपर सेलेक्ट कीजिए, और आप कौन सा देना चाहते हैं वो भी आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ से आपका एक प्रिपरेशन हो जाएगा मॉक टेस्ट देकर कि आपका तैयारी कैसी है। उसके बाद हम लोग मेन बात पर आ जाते हैं। यहाँ पर मेन बात यह है कि आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है, तो उसके लिए यहाँ पर आप अपना एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ और जो आपका पिन है, जो नीचे सिक्योरिटी पिन दिया हुआ है, इसे आप डालकर और यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ से एडमिट कार्ड आप डाउनलोड कीजिए, उसके बाद देखिए आपको जो जिसका जो एग्जामिनेशन हो रहा है 6 जनवरी to 20 जनवरी, तो इन दिनों में आपको कौन से डेट में आपको कहाँ पर आपका सेंटर दिया हुआ है वो आपको पता चल जाएगा। तो दोस्तों, अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है या आपको इसे पता नहीं चल रहा है कि कहाँ से डाउनलोड करना है, या कुछ भी ऐसा कोई क्वेरी है, तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, जेईई मेंस ने या एनटीए ने डिसाइड किया है कि अब जेईई मेंस का एग्जामिनेशन साल में 2 बार होगा। तो इस वजह से इसका जो एग्जामिनेशन फर्स्ट एग्जामिनेशन अभी हो रहा है, इसके बाद इसका सेकेंड एग्जामिनेशन कुछ महीनों बाद होगा। तो इसमें अगर आप अच्छा परफॉर्मेंस नहीं करते हैं, तो आप उसे फिलअप करके उसमें भी आप कर सकते हैं, एग्जामिनेशन दे सकते हैं। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो, कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर देगा, और कोई क्वेरी है तो जरूर पूछ लीजिएगा, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर आज पहली बार आप मेरे चैनल को विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, मैं ऐसे वीडियोज़ बनाते रहता हूँ और आप लोग तक इन्फॉर्मेशन पहुँचाते रहता हूँ। अगर आप कोई इन्फॉर्मेशन आपसे छूट जाए, तो आप मेरे चैनल को विजिट कर सकते हैं, या नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दीजिए, आपको ऑटोमेटिक नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, और आप ओकेजनली नहीं, आप रेगुलर मेरे चैनल को विजिट कीजिए, ताकि आपको रेगुलर आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय, जय हिंद, नमस्कार।